बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम मैट यूज़र की कास्ट काउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। और ये चैप्टर डील करता है फैक्ट्री ओवरहेड के साथ और हम अप्लाइड एंड एक्चुअल एफर्ट्स वगैरह पर बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ए कंपनीज बुक्स इंडिकेट दैट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वाज 43,296, जो कि 123% ऑफ द बजट अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन है और ये 123% ऑफ बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है। एंड अप्लाइड एफ एच वाज $37,350 बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी डिटरमेंट प्री डिटरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड रेट। द एस्टिमेट्स फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वर 10,500 एंड 28,500 रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी the company had expected to achieve during the month required, the amount of spending and idle capacity variance. तो हमने दो इसमें मालूम करनी है। एक हमने करनी है spending variance और दूसरी capacity variance। तो सबसे पहले हम spending variance को मालूम करते हैं। spending वेरियंस और दूसरे नंबर पे हम करेंगे आइडल कैपेसिटी वेरियंस। तो स्पेंडिंग वेरियंस में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड देखना होता है, एक्चुअल एफ ओ एच जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 43,296 डॉलर्स। और इसमें से हमने बजटेड अलाउंस जो है वो माइनस करना होता है। बजटेड अलाउंस और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप दोबारा वापस जाएं तो यहाँ पे गिवन था कि हमारे पास जो एफ ओ एच है यहाँ पे 43,296 वो है 123% ऑफ द बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड। कि कैपेसिटी यूटिलाइज्ड का तो अब हमने इसका 100% देखेंगे, यानी कि ये तो एक्चुअल एफ ओ एच था 123%, तो 100% इसका क्या होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, 40 यहाँ पे वर्किंग अलग से हम कर लेते हैं, वर्किंग तो 43,296 यह है 123%। हमें 100% चाहिए तो डिवाइड करेंगे 123 पे। तो अब इसको सॉल्व कर लें अपने कैलकुलेटर पे। आप 43,296 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 123 ये 35,200 है, $35,200। अगर इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो आएगा वो है स्पेंडिंग वेरिएंस और ये बनता है 8,096 और ये अनफेवरेबल है। क्यों? हमारा एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है बजटेड से। तो जब एक्चुअल बजट से ज़्यादा हो जाता है तो आप स्पेंडिंग वेरिएंस को अनफेवरेबल कहते हैं। इसके बाद हमने आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वो होता है बजटेड में से आपने माइनस करना होगा अप्लाइड एफ ओ एच। तो हमने देखना है कि अप्लाइड एफ ओ एच हमारे पास यहाँ पे गिवन था एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड वाज 37,500 एंड 350। तो सबसे पहले बजटेड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइज्ड वो था 35,200 डॉलर्स
और उसमें से हमने माइनस करना है अप्लाइड एफ ओ एच, और वो था 37,350। और इसको माइनस करें तो हमारे पास माइनस में आ रहा है 2,150, जिसको हम कहेंगे कि ये फेवरेबल है क्योंकि हमारा बजटेड ज़्यादा है, सॉरी अप्लाइड ज़्यादा है और बजटेड कम है, तो ये फेवरेबल आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है। और यहाँ पे एक एडिशनल थर्ड पॉइंट आप ऐड कर लें कि हमने अंडर या ओवर अप्लाइड एफ ओ एच देखना हो तो उसमें स्पेंडिंग वेरियंस था हमारा अनफेवरेबल 8,096 अनफेवरेबल, और आइडल कैपेसिटी था फेवरेबल था 2,150 फेवरेबल। तो अनफेवरेबल में से फेवरेबल माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग जो है 5,946 जो है वो है अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल का मतलब है कि अंडर अप्लाइड एफ ओ एच। तो यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। वो ही नहीं चला तो एक और एक के भी